नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्यों अधूरी रह जाती है आपकी पूजा? अधूरी पूजा के पीछे कहीं कोई राज तो नहीं? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा के आसन पर बैठते ही हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। हमें अपनी चिंताएं और रोजमर्रा के काम याद आने लगते हैं। जल्दी जल्दी पूजा करके हम उठ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना आस्था के सिर्फ अपने फायदे और लालच के लिए पूजा करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ना तो हम विधि विधान से पूजा कर पाते हैं और ना ही हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी कौन सी आदतें और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं? और किन बातों पर ध्यान देकर हम पूजा का पूरा फल पा सकते हैं? यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका पूरा फल कैसे मिले ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज टॉपिक है। तो लगातार देखते रहिए कालचक्र के साथ आज। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206652411। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पूजा पाठ में आवंडर करते हैं, अपने लालच के लिए भगवान को याद करते हैं और फायदे के लिए भगवान को तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है? ऐसा करने से हमें कौन से दोष लगते हैं और किन उपायों से इन दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो ऐसा है बेटा अंजलि जी, ये किसी की जन्म कुंडली देख करके बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति आस्तिक है कि नास्तिक है जी। मतलब पूजा पाठ में विश्वास करता है कि पूजा पाठ को ढोंग मानता है, पूजा पाठ में इसकी रुचि होती है कि जबरदस्ती पूजा पाठ करता है, और किस देवी देवता की पूजा पाठ करता है ये कुंडली देख के पता लग जाता है। कुंडली के 12 भावों में जो पांचवा भाव होता है वो उपासना का स्थान होता है। उससे मनुष्य की विद्या, संतान और पूजा उपासना, ये तीन चीजें देखी जाती हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह, पंचम भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह और पंचम भाव का अधिपति कैसा है, इसका जब मूल्यांकन किया जाता है तब पता चलता है कि ये व्यक्ति किसका उपासक होगा। जैसे अगर पंचम भाव में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा आदमी भगवान सूर्य का उपासक होता है, चंद्रमा हो तो भगवान शिव का उपासक होता है, मंगल हो तो हनुमान का उपासक होता है, बुध हो तो श्रीहरि विष्णु और गणेश का उपासक होता है, बृहस्पति हो तो भगवान कृष्ण राम और विष्णु का उपासक होता है, शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति देवियों का उपासक होता है, शनि हो तो महाकाली का उपासक होता है, राहु केतु हो तो तंत्र विद्या के देवी देवताओं की उपासना करता है या वाममार्गी देवियों की उपासना करता है, जैसे छिन्नमत्ता, धूमावती, इन देवियों की उपासना करता है। तो इस बात से ऐसे पता लगाया जा सकता है, या तो स्थिति हो या तो दृष्टि हो। दूसरी बात, अब धर्म का प्रतीक जो ग्रह है, नवग्रहों में जो धर्म का प्रतीक ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के बलाबल का जरूर विचार करना चाहिए। अगर बृहस्पति के बलाबल का विचार किया जाए और बृहस्पति अगर निर्बल निकल गया तो ऐसा आदमी पक्का है नास्तिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति अगर नीच राशि में, नीच के नवांश में है, या पापक ग्रहों से पीड़ित है, या राहु केतु से पीड़ित है, तो ऐसा आदमी आस्तिक हो ही नहीं सकता है। पूजा पाठ में 2 मिनट के लिए बैठेगा उसको उच्चाटन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का आशय है कुछ लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का होता है। नीच राशि माने जहां 10 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में आपके, अगर वहां बृहस्पति है तो नीच राशि में है। ऐसे ही एक नवांश कुंडली होती है बगल में, उसमें देखेंगे अगर वहां भी 10 नंबर में बृहस्पति बैठा है तो गुरु नीच के नवांशक में भी है। ऐसे लोग पूजा में आडंबर करते हैं। ये लोग जब तक परेशान नहीं होते हैं तब तक इन्हें भगवान याद नहीं आते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ होता है, ये भाई गुरु चांडाल योग कहलाता है, बड़ा खराब ये दशा है। इसका संयोग 2 प्रकार से बनता है, एक तो आपकी जन्म कुंडली में ही गुरु और राहु की युति है, और दूसरा
आपकी बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, या राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, या बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है, या केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, तब भी ये गुरु चांडाल योग प्रभावी होगा। और जिनकी कुंडलियों में ये योग है वो लोग एकदम बिलबिला जाते हैं, ऐसी प्रकृति मार मारती है कि बिलबिला जाते हैं। मैं इसका शर्ती आपको इलाज अभी बता देता हूं, कहीं भूल ना जाऊं इसलिए बता देता हूं। आप जैसे सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 तारीख से, इस सावन के महीने में किसी भी गुरुवार के दिन 3 लीटर गाय का दूध लेकर के किसी शिवालय में जाइए और योग्य ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके आग्रह कीजिए कि वो आपका रुद्राभिषेक करा दें। और एक रुद्राभिषेक बहुत विधि विधान से आप शिवालय में या शिव मंदिर में संपन्न करिए, और अपने साथ कम से कम 1 ग्राम सोने का सिक्का लेकर के जाइए और वो सोने का सिक्का दक्षिणा के रूप में दान दे दीजिए। जैसे बटन दबाने पर पंखा चालू हो जाता है, जितना देर लगती है उतने ही देर में स्वर्णदान करने के बाद आपकी मनोकामना और मनोरथ पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन के ऊपर से दुर्भाग्य की छाया मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। इस कलिकाल में स्वर्णदान बहुत बड़ा दान है। सोने का दान जो गुरु चांडाल योग में करता है वो तत्काल उस दोष से निवृत्त होकर के सुख पाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे लोग भगवान को भी तरह तरह का प्रलोभन देते हैं जिनका गुरु चांडाल योग होता है। मेरा ये कर दीजिए तो मैं ये यज्ञ करवा दूंगा, मेरा ये कर दीजिए तो ये चढ़ा दूंगा, मेरा ये कर दीजिए तो वो करा दूंगा, मतलब भगवान को भी लालच देते हैं। इस मन से की गई पूजा तो निष्फल ही होती है, ज्यादा कष्ट भी मिलते हैं, ऐसे लोगों को पितृदोष लगता है। अच्छा हाँ, गुरु चांडाल योग अगर आपके अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है तब निश्चित रूप से आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है। आप पता करिए आपके खानदान में गया श्राद्ध कोई नहीं किया होगा, भागवत का पारायण, भागवत का पाठ किसी ने नहीं सुना होगा, और आपके पितर नाना प्रकार की खराब योनियों में गुजर रहे होंगे, उनका श्राप आपके परिवार को लगेगा, जिससे न तो घर में विवाह शादी का शुभ अवसर होगा, न घर में संतान की वृद्धि होगी, न घर में धन वैभव बढ़ेगा, तमाम प्रकार की विपत्तियां घर में आते ही सबके चेहरे उतर जाएंगे, हंसी तो सुनाई ही नहीं पड़ेगी, घर में ठहाके तो गूंजेंगे ही नहीं, हर आदमी तनावग्रस्त रहेगा, एक साथ रहते हुए भी जैसे अलग अलग रह रहे हैं। तो ये पितर दोष भी होता है, लेकिन अष्टम और द्वादश भाव में अगर विशेष करके बृहस्पति राहु के साथ हो तो ये पितर दोष लागू होता है। कुंडली के इस दोष के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए, सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव मंदिर जा करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक करके फिर कह रहा हूं एक बार, सामर्थ्य के अनुसार एक सोने का सिक्का दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान तक्षण मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, शिखा हरदोई से। शिखा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा, जोर से बोलो जी। हमारा जन्म 25 सितंबर 1995 सुबह 4:45 को हुआ था। हमको जानना है हमारी मतलब सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और शादी हमारी मतलब मनचाही शादी हो पाएगी कि नहीं, और मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। उसका जन्म 2001 में हुआ था, अंजलि नाम है उसका। उसकी सरकारी जॉब किस क्षेत्र में लगेगी और कब तक लगेगी? पहली बात तो आपको बता दूं कि आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और दशम भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की गुप्त बहरा दृष्टि है जो इस बात का संकेत करती है कि सरकारी नौकरी का आपके कोई योग नहीं है। अगर बिना मतलब अपना समय आप बर्बाद करना चाहती हैं तो करिए, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन या बैंकिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहें तो बना लें। दूसरी बात, शादी के लिए आपने प्रश्न पूछा है, उसमें आपने ये भी कहा है कि आपके मन के अनुकूल शादी होगी कि नहीं होगी। तो शनि और सूर्य और चंद्रमा से देखा जाए तो बृहस्पति और बुध की स्थिति जो है वो तृतीय एकादश बनी हुई है। शादी आपके मन के अनुकूल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शादी आपकी शीघ्र होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के अप्रैल मई तक आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक काम आपको करना चाहिए, विवाह के पहले 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए, केला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए,
केला के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए, केला के पेड़ के नीचे भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और खुद पीले वस्त्र पूरे दिन पहनना चाहिए और एक वक्त केवल सायंकाल को अन्न लेना चाहिए, पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। अगर आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर देंगे जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जय मां बिंदीवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक पूनम जुड़ चुकी है कुरुक्षेत्र से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मेरे 3 सवाल है। मेरा एक बड़ा बेटा बाहर गया हुआ है, मैंने उसके बारे में पूछना है। एक छोटा बेटा है मेरा। बड़े बेटे की तो मेरी जन्म तिथि है 11 सितंबर 2000 और छोटे एक बेटे की है मेरी 11 सितंबर 2004। और मैं अपने घर के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, मेरा घर कब तक बनेगा और मेरा पार्लर है, मेरा पार्लर चल नहीं रहा। चलिए पूनम जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि हुआ, द्वितीय और सप्तम के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और शनि हुए, चंद्रमा शनि का इत्थसाल है। बड़े बेटे से निश्चिंत रहिए, वो अपने जीवन में कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा बेटा भी अगर थोड़ा सा गंभीर होकर के अपने करियर के प्रति और अपना पढ़ाई लिखाई ठीक से संपन्न करे तो उसका भी जीवन ठीक रहेगा। जहाँ तक घर बनने का प्रश्न है तो सूर्य से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र हुआ और सूर्य और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति षडाष्टक योग की है। अभी आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप घर बना पाएं। आपको घर बनाने में 2.5 से 3 साल का समय लग सकता है। समय का इंतजार करिए या विश्वकर्मा जी का चित्र ले आकर के अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और विश्वकर्मा जी के चित्र की रोज पूजा करिए, उनके चित्र के सामने रोज घी का दिया जलाइए, इससे आपको घर मिलने में आसानी होगी। और ये 3 उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपके पार्लर चलने का सवाल है तो 10म भाव में बैठा हुआ है शनि। आपको बता दूँ कि आप अपने पार्लर में एक बार फिर से पेंट करवा दें। मुझे जो लग रहा है कि आपके पार्लर में वास्तु दोष तगड़ा वाला है। अगर आप अपने पार्लर को पेंट करवा दें, खास करके पिंक कलर से पेंट करवा दें, तो आपके पार्लर में सुधार हो जाएगा। वहां आने वाले ग्राहक लगातार निरंतर आते रहेंगे। जय मां बिंदीवासिनी। तो पंडित जी ने ये आपको पहले ही बताया कि ग्रहों की वजह से आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता। तो पंडित जी, अगर बात की जाए तो किन ग्रहों की वजह से लोगों की कुंडली में जब होता है उनका मन नहीं लगता, कैसी स्थिति रहती है? जो आराधना की बात की जाए तो मन नहीं लगता, आस्था में मन नहीं लगता, क्या उपाय करें जिससे पूजा सफल हो, क्योंकि ऐसे लोगों की पूजा तो सफल नहीं हो पाती। देखो फिर से एक बार बताना चाहूंगा बेटा, पंचम भाव जो है ये पूजा उपासना का भाव है, लेकिन 9वां भाव जो है ये धर्म का भाव है। कुंडली में जो भाग्य भाव होता है वो 9वां भाव कहलाता है, वो धर्म का स्थान है। कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है और कितना सात्विक है, कितना नेक नियत है, ये जानने के लिए 9वां भाव का ही अध्ययन करना पड़ेगा। पूजा किसकी करेगा ये तो 5वें भाव से आपको पता चल जाएगा, लेकिन व्यक्ति धार्मिक होगा कि आडंबरी होगा कि आध्यात्मिक होगा, उसका गुरु कैसा होगा, गुरु से उसको उन्नति प्राप्त होगी कि गुरु से उसकी अवनति हो जाएगी, ये सब बात 9वें भाव से विचार किया जाता है। अगर 9वें भाव में बकरी गुरु हो तो वो पूजा में रुकावट पैदा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पूजा में मन ही नहीं लगता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं रहता है। कुंडली में 9वें भाव का बकरी शनि भी पूजा में परेशानियां खड़ी करता है, या 9वें भाव का स्वामी 10म भाव में बैठ जाए, ये एक प्रकार से राजयोग भी है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन ही गृहस्थ और सन्यास के बीच झूलता रहता है। ऐसे लोग ना तो सदगृहस्थ बन पाते हैं ना अच्छे सन्यासी बन पाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए बैल या गाय के बछड़े को गुड़ खिलाएं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का
दान करें, निश्चित रूप से इससे सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर आपके भाग्य स्थान में नीच का बृहस्पति नीच के नवांश में हो तो ऐसे लोगों को किसी मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु मुक्ति नहीं होती है, ये बात सच है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को गुरु बनाने के लिए राम कृष्ण हरि में किसी देवता में अपना गुरु तो देख लेना चाहिए, उन्हीं को अपना मानसिक गुरु मान करके अपनी पूजा आराधना साधना करनी चाहिए। जगत वंदे कृष्णम जगत गुरुम, इस संसार के संपूर्ण चराचर जगत के गुरुदेव अगर कोई हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर कोई मनुष्य आपका गुरु नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान करके, उनको साक्षी मान करके आप अपने जीवन में यदि कर्म करेंगे, पूजा उपासना में मन लगाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी सदगति भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी है भोपाल से, दिशा। दिशा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरे भाई के लिए है, उसका नाम पीयूष नायक है। 18 जून 2013 सुबह 10:40 भोपाल के पंडित जी उसका जन्म है और वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो क्या हम उसको क्रिकेट की आगे करियर बनाने दें या नहीं? और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरा मेरे लिए है, मेरा नाम दिशा नायक है। 20 फरवरी 2007 सुबह 5:15 टीकमगढ़ का मेरा जन्म है। और पंडित जी तीसरा प्रश्न मेरा मेरे मम्मी पापा के लिए है कि उन्हें बहुत बीमारियां घेरे रहती हैं, तो पंडित जी 1.5 साल हो गए हमारे यहाँ पे बीमारियां आते आते खत्म नहीं हो गई हैं, वो हम क्या करना चाहिए? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि तुम्हारे भातृभाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और उससे दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। भाई तुम्हारा खेलने में बहुत होशियार है और बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। खेल को अगर वो अपने प्रोफेशन के रूप में करना चाहे तो बड़ा स्वागत है, लेकिन उसको बोलो, अभी वो 11 साल का है, 17 साल की उम्र तक उसे पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खेल पर भी ध्यान देना चाहिए लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके आजीविका में शनिदेव बैठे हुए हैं। अगर ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले तो इसका जीवन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब कि ये जो खेल खेल रहा है इसमें इसका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, खिलाड़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से इस समय पार्शियलिटी चल रही है, जिस तरह से शोर सिफारस का ज़माना चल रहा है, आप देख रही हो कि नीट का पेपर अगर आउट हो सकता है तो कितना ज़्यादा पारदर्शिता होगी खेल में, ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए उसको कहिए कि वो पढ़ाई करे मन लगा करके, ये ठीक है। और दूसरी बात, आपने अपने बारे में जो प्रश्न किया, तो बेटा आप 17 साल के हो गए हो, ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नित्य सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 24-24 मिनट जप करिए। इससे आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आपके परिवार की स्थिति में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक हर्षिता जुड़ चुकी हैं हरदोई से। हर्षिता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी मेरा जन्म 1998 में हुआ था और मुझे डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। अब मैंने बीएड किया हुआ है, मेरे मतलब उसमें सरकारी का योग है या नहीं? मेरा दूसरा प्रश्न है मेरी बड़ी बहन के बारे में, उनका जन्म 25 सितंबर 1995 में हुआ था, उनका नाम शिखा वर्मा है, उन्होंने भी बीटीसी किया हुआ है, क्या हम दोनों की जिंदगी में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? देखो, ऐसा है हर्षिता, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल और लग्न का स्वामी चंद्रमा, मंगल चंद्रमा का सदाष्टक योग बन रहा है। मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि 2025 के अंत और 2026 के प्रारंभ में आपको नौकरी मिलने का योग है, लेकिन ये सरकारी नौकरी ही होगी ये नहीं कहा जा सकता।
और एजुकेशन से ही रिलेटेड जॉब आपको मिलेगी। जो आपने अपनी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो हर्षिता एक बात आप जान लीजिए कि आपके बड़ी बहन का स्वामी हुआ बृहस्पति, इससे जीविका भाव का स्वामी हुआ बुध, बुध बृहस्पति दोनों का इस समय चतुर्थ दशम मतलब गुप्त बहरा दृष्टि हो रही है और इन्होंने BTC जरूर किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको भी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो इनके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इनका पूजा पाठ में मत नहीं लगता, जो आस्था के नाम पर अपने लालच के चक्कर में ही भगवान को याद करते हैं, भगवान को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तो वो लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी ऐसी भक्ति आप पर भारी भी पड़ सकती है। कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जो आपकी आस्था को कमजोर कर रही है, बना रही है आपको पाप का भागीदार, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन ग्रहों की जो हमारी आस्था को कमजोर कर रहे हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता है, ऐसे लोग मन लगाकर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। कुंडली में गुरु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति पूजा पाठ में पाखंड करता है, शुक्र 12वें भाव में हो तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है और पूजा में कम मन लगता है। ऐसे लोगों को भविष्य में सेहत संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जिनकी कुंडली में पहले या 11वें भाव में शनि या राहु शत्रु राशि में होते हैं, ऐसे लोगों पर जब तक संकट नहीं आता है तब तक वो पूजा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए। चांदनी रात में कम से कम 15 मिनट टहलना चाहिए और पूर्णिमा की रात पीतल के लोटे में जल, दूध, हल्दी, चावल और सफ़ेद फूल लेकर के चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। इससे भी चमत्कारिक परिवर्तन होता है और मानसिक स्थिति, मानसिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है, मानसिक स्थिति मजबूत बनती है और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, संगीता जबलपुर से। संगीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। वहीं हमारे एक दूसरी दर्शक कटनी से सरिता जुड़ चुकी हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। सरिता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मेरी दो बेटियां हैं और मेरे यहाँ पता नहीं क्या समस्या है, मेरे मतलब 2-3 साल पहले मेरे सास ससुर पत्नी देवर सब लोग खत्म हो गए और मेरी तबीयत खराब बनी रहती है, और मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। बड़ी वाली बेटी का है 3 अप्रैल 2003 का जन्म है और छोटी वाली का है 10/11/2008। देखो, ऐसा है कि जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पे ये मृत्युलोक ही है, इसका नाम मृत्युलोक है, और जो जितने दिन की आयु लेकर के आया है भगवान के यहाँ से उतने दिन ही रहेगा। इस मामले में तो भगवान राम के भी और दशरथ के भी जो गुरु थे उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। मरण, मरना और जीना, ये तो भगवान के ही हाथ में है, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा दुखी और संतप्त नहीं होना चाहिए। हाँ, एक काम आप कर सकती हैं कि चूंकि आपके घर में असमय से मृत्यु हुई है, इसलिए आप रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके जैसे आप रूटीन की पूजा करती हैं उसको करिए, और एक विष्णु सहस्त्र नामावली या गोपाल सहस्त्र नामावली की किताब रख लीजिए और उसका रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। पाठ करने के बाद आप हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए कि वो आपके सास ससुर को सदगति दें, उत्तम गति दें। ये उपाय अगर आपने एक साल कर लिया तो आप विश्वास करिए कि आपके घर से परेशानी का नाम निशान मिट जाएगा। हाँ, जहाँ तक आपने अपने बड़ी बेटी के बारे में प्रश्न किया है तो चिंता मत करिए, ये बहुत अच्छी निकलेगी, समझदार है, लेकिन कभी कभी इसके शरीर में बॉडी पेन होता है,
पिंडलियों में दर्द होता है, कभी कभी इसके स्किन में एलर्जी भी होती है। ऐसे में इसको आप कहिए कि ये बुधवार के दिन थोड़ी सी मूंग भिगा करके गाय को खुद खड़ी होकर खिलाया करे, इससे इसको लाभ मिल जाएगा, पक्का लाभ मिल जाएगा। और दूसरी बेटी के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखो अभी तो मतलब थोड़ा सा वो बहुत अच्छे ट्रैक पे नहीं है पढ़ाई के, लेकिन अगर आप उसको रविवार के दिन व्रत करवा दें 5 रविवार का, और वो बिना नमक का व्रत कर ले 5 रविवार, तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो जाएगी और निश्चित रूप से आपकी हर उम्मीद पर वो खरा उतरेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है, इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। अब फिर वही बात आ गई ना धर्म की, तो धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो धर्म देवी देवताओं से जुड़ा है और उनके गुरु बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के खराब होने की स्थिति में पूजा करना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है, इससे पाप नहीं लगता है। कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा के ठीक नहीं होने पर व्यक्ति चाहते हुए भी पूजा कर पाने में असफल हो जाता है, ऐसे लोगों को नौकरी, प्रतिष्ठा, गृहस्थी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती रहती हैं। कुंडली में चंद्रमा के नीच राशि में होने की स्थिति में पूजा करने से रोका जा सकता है। ये गलत धारणा है कि चंद्रमा के नीच की स्थिति में होने के कारण भगवान शिव की आराधना नहीं की जाती है, की जाती है, मैं कह रहा हूं पूजा बंद करना बहुत गलत धारणा है। और अब कुछ लोग सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशेष किताब की सहायता से उनके पास जो लोग जाते हैं उनको कहते हैं कि आप अपने घर से पूजा स्थान हटा दें, आप अपने घर से देवी देवताओं की मूर्ति हटा दें, आप अपने घर में घंटी न बजाएं, आप अपने घर में दिया न जलाएं, आप अपने घर में ज्योति न जलाएं। ये जानते हैं बहुत बारीकी से सनातन धर्म पर कुठाराघात है और धर्म का आडंबर ओढ़ करके ये है, मतलब हम आपके ही बीच में घुस करके आपके अंदर विस्फोट कर रहे हैं। आपको विश्वास होगा नहीं, ये तो मेरे साथ ही चलने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके इरादे कितने गंदे हैं, वो क्या करना चाहता है। देखिए ये देश जो है जोरावर और फतेह बहादुर का है, जो दीवारों में चुन गए हंसते हंसते लेकिन अपना धर्म नहीं परिवर्तित किया। आपको कौन सा ऐसा लाभ मिल जाएगा पूजा बंद करने से, भगवान को न मानने से, नास्तिक बनने से, कौन सा ऐसा सुख मिल जाएगा जो निरंतर चिरकाल तक आपके साथ रहेगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई ऐसा धरती पर सुख नहीं है जिसे पाने के बाद आपको कुछ पाने की इच्छा न रहे। वो तो सिर्फ केवल प्रभु हैं जिनको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और वो पूजा पाठ में अगर आप मन नहीं लगाएंगे, धार्मिक अपना विचार नहीं रखेंगे, सबके अंदर समता का भाव नहीं देखेंगे, सबको ईश्वर स्वरूप नहीं मानेंगे, तो कभी कल्याण हो कैसे सकता है? तो एक विशेष किताब को लेकर के पंडिताई करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं आप पूजा करते हैं इसीलिए तो आपका सब गड़बड़ हो रहा है। अरे पूजा स्थान में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, किसने कह दिया शिवलिंग रखो, और किसने कह दिया आपको कि शंख रखिए, ये रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूजा स्थान ही हटा दो। और हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ऐसे लोगों के कहने में आकर के हम पूजा स्थान हटा भी देते हैं, दिया जलाना बंद भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब प्रारब्ध की मार कम नहीं होती है और दुर्गति होती है तब जा करके फिर से रास्ते पर आते हैं, फिर दिया जलाना शुरू करते हैं, फिर पूजा करना शुरू करते हैं, फिर घंटी बजाना शुरू करते हैं। भगवान कोई दुकान नहीं है कि जहां आपने पैसा दिया सामान खरीदा। भगवान हमको सूरज की रोशनी देते हैं,
भगवान हमें चलने के लिए पृथ्वी देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, ये भगवान का कम्यासान है हमारे ऊपर कि हम भगवान की पूजा ना करें। इसलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको हर समय भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए और जब भी समय मिले भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमेशा ईश्वर की पूजा समर्पित भाव से ही करनी चाहिए। अष्टम में मृत्यु स्थान में बृहस्पति के आने की स्थिति में कई बार व्यक्ति मन लगाकर पूजा नहीं कर पाता है। ऐसे में 2 ग्राम सोने की शिव प्रतिमा बनवाइए। सोने की शिव प्रतिमा की पूजा करके पूजा कराने वाले को प्रतिमा दान कर दीजिए। लेकिन इसमें हमको एक दोष दिखाई देता है। वो दोष ये है कि जिसको आप दान कर देंगे वो शिव प्रतिमा ले जा करके वो गलवाएगा, सोने को गलवाएगा या बेचेगा, तो शिव प्रतिमा को गलाना भी तो दोष हुआ। तो शिव प्रतिमा की जगह 1 ग्राम सोने का सिक्का ही रख करके उसी में शिव का आवाहन करके उसी की पूजा कर लेनी चाहिए और बाद में उसी सिक्के को उठा के दान दे देना चाहिए। एक चोरी की सोने की दुर्गा जी की मूर्ति ले जा करके चोरों ने एक स्वर्णकार के यहाँ बेचा, ये एकदम सत्य घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने मतलब कि जिसने खरीदा उन्होंने सोचा कि आनन फानन में ये 300 ग्राम की मूर्ति है इसको गला दें, और उसका नौजवान लड़का 30 साल का गलाने लेकर के गया और वो मूर्ति गलाते ही उसको लगा कि जैसे शेर दहाड़ रहा है, चिल्लाने लगा कि अरे बचाओ बचाओ शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। लोग दौड़े पहुंचे, उसको उठाए, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 1 घंटे के अंदर मर गया। और 3 साल के अंदर उस परिवार में 7 अकाल मौत हुई। तो इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसको अगर आप छत बिछत कर रहे हैं, उसको यदि आप नष्ट कर रहे हैं तो उसका पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए शुचिता और पवित्रता जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप भी पूजा पाठ से अपना जी चुराते हैं, हर रोज भगवान को याद ना करके अपने मतलब के मुताबिक ही पूजा करते हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति से बचने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो कभी कभी चंद्रमा जब दशम भाव में होता है तो चंद्रमा पंचम भाव से सदाष्टक योग बनाता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण धार्मिक होते हुए भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है। आज के 3 साल के पहले एक बार इसी पर प्रोग्राम हमने किया था, एक हमको बहुत मानने वाली, हमारी बातों को मानने वाली, एक तरह से कार्यक्रम रोज देखती थी, उन्होंने जब ये कार्यक्रम देखा और मैंने कहा कि दशम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों का पूजा में मन नहीं लगता है, तो उनके मन में आया कि नहीं ये तो ऐसे गुरु जी कह रहे हैं, हमारे भी दशम भाव में चंद्रमा है, मुझसे ज़्यादा पूजा कौन करता है, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ। अब उस दिन के बाद से उनकी पूजा बंद हो गई। तो अभी 1-2 महीने पहले मिली, बोली गुरु जी मैं पहले बहुत पूजा करती थी लेकिन 3 साल से मेरी पूजा बंद हो गई है। हमने कहा क्या बात है बताइए क्यों बंद हो गई पूजा, बोले वैष्णव अपराध लगा है। हमने कहा कैसा वैष्णव अपराध लगा है आपको, बोले आप 3 साल के पहले प्रोग्राम कर रहे थे और चंद्रमा के बारे में आप बता रहे थे कि चंद्रमा दशम में हो तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता है और मेरे कुंडली में भी चंद्रमा दशम भाव में है। मैंने सोचा कि अरे गुरु जी ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये तो मतलब कि हमारे कुंडली में भी दशम भाव में चंद्रमा है, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ। तो बस उस दिन से और आज का दिन 3 साल हो गया मैं पूजा स्थान में बैठ नहीं पाई हूँ। तो हमने कहा आओ तुम्हें वैष्णव अपराध अगर हमारा लगा तो मैं तुम्हें आपको क्षमा करता हूँ और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी पूजा पुनः शुरू हो जाए। तो फिर से उनकी पूजा शुरू हो गई। देखिए वैष्णव अपराध बहुत तेज लगता है। किसी साधु संत या किसी पवित्र व्यक्ति के बारे में अगर आपने गलत विचार बना लिया तो निश्चित है कि आपकी पूजा प्रभावित हो जाएगी। किसी साधु संत की बात को सुन करके उसको आपने अपने मन में फिल्टर करना शुरू कर दिया कि ये सही है ये गलत है ये ऐसा नहीं होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए, किसी सिद्ध संत की बातों को सुन करके अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो ये वैष्णव अपराध बनता है।
और वैष्णव अपराध का पहला फल होता है कि आदमी मतलब कि उदासीन हो जाता है, उसका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है, मन हर समय व्यग्र और बेचैन रहता है, या तो गलत खान पान से, या कुसंग से, या वैष्णव अपराध से। तीन कारणों से ही मनुष्य का पूजा पाठ से उच्चाटन होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ से जो जी चुराता है लेकिन दान पुण्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को उपासना का स्थान माना गया है, जैसा कि मैं हर समय बताता हूँ। पंचम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि पूजा में मन नहीं लगने देती है। व्यय भाव का चंद्रमा भी पूजा में मन नहीं लगने देता है। पांचवें भाव का स्वामी छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है। शरीर भाव का स्वामी अगर पूजा स्थान में हो और पूजा स्थान का स्वामी अगर शरीर भाव में हो, ऐसा व्यक्ति पूर्ण आस्तिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि विधान से संपन्न करता है। बृहस्पति और चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने पर उत्तम गुरु मिलता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छी पूजा कर पाता है। पूजा पाठ में मन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक प्रवीण देहरादून से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जय माता जी पंडित जी। जय माता की भैया। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 19/6/1989 जी। पंडित जी, मुझे बार बार चोटें लगती रहती है, बचपन में भी काफी बार गंभीर चोटें लगी हैं, अभी भी मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो पंडित जी मेरा कैसा जीवन स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे? मैं आपको एक उपाय बताऊं, आप करो। पहला उपाय तो ये आपको बताना चाहूंगा कि 7 दिए शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ से पश्चिम तरफ में जला दीजिए। 7 दिए सरसों के तेल का, मिट्टी के दिए, और 7 दिए के पास एक एक पान का पत्ता और एक एक बतासा रख दीजिए, और एक एक रुपए का सिक्का रख दीजिए, या 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख दीजिए, और पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। ये उपाय 7 शनिवार लगातार कर लीजिए। आपको चोट लगना, सेहत खराब होना, इन सब चीज़ों में बहुत आराम मिलेगा। दूसरी बात, जब भी शनिवार के दिन आपको मौका मिले, जरा सा भी मौका मिले, तो आप सुंदरकांड का पाठ अगर कर लें तो इससे भी आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। हनुमान जी की पूजा उपासना भी आपके लिए लाभकारी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली शशिकला हैं। इनके भविष्य और समस्याओं के बारे में जानते हैं। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1988 और इनका जो टाइम है 8:30 इवनिंग में है, और ये न्यू दिल्ली में ही जन्म ली है। हाँ। और इन्होंने सवाल ये पूछा है कि मेरे पति को विदेश में रहते हैं वो, और कुछ समय के लिए मैं पति से दूर दिल्ली में रह रही हूँ, ये बताएं कि वो विदेश कब जाएंगी। उन्होंने दूसरा भी सवाल पूछा है पंडित जी कि अब तक बच्चे नहीं हुए हैं, क्या मैं माँ बन पाऊंगी, कृपया उपाय बताएं। देखो, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि 4 फरवरी 2025 से लेकर के अप्रैल मई 2025 तक आपका विदेश गमन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, आप विदेश चली जाएंगी। दूसरे प्रश्न का जवाब यह है संतान भाव का कि मंगल राहु के साथ है, संतान योग भी आपका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए अगर आप रोज संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, जप करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जयपुर से, दारा सिंह। दारा सिंह, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, मैं एक तो प्रश्न, मेरे क्या है परिवार में बड़ा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी 30 साल की उम्र हुई थी, उसके बाद बच्चे हुए और कोई बढ़ोतरी आगे नहीं है। अब बच्चा है, अब 30 साल का हो गया, 23 जुलाई 1992 का उसका जन्म है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसका क्या योग हो गया, आगे परिवार कैसा चलेगा? दूसरा बच्चा है 18 मई 1995 का, उसकी कैसा शादी विवाह योग रहेगा, और हमारे घर की कैसी उन्नति कैसे रुकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, क्या दोष है क्या नहीं है, ये बताओ। देखो, ऐसा है भैया,
आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल बुध की स्थिति जो है प्रश्न काल में वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप प्रयास तो कर रहे हैं, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए उस तरह से रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बड़े पुत्र का जो है अभी करियर सेटल्ड नहीं हुआ है, इसलिए उनके विवाह में भी दिक्कत आ रही है, और छोटा बेटा तो कामयाब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कामयाब होने में 2-3 महीने का ही ज़्यादा से ज़्यादा समय है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में पूजा स्थान में गणेश सहस्रार्चन, गणेश जी के 1000 नामों से गणेश जी के ऊपर दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं। ये उपाय आपके घर में बरकत ला सकता है। अगर साल में 2-3 बार ये उपाय होता रहे तो निश्चित रूप से परिणाम सार्थक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो हमारे घर की सुख शांति के लिए खतरा बन सकते हैं, साथ ही इससे बचने के कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, घर से अचानक वस्तुओं का गायब होना और फिर उनका अपने आप ही मिल जाना, घर में किसी अपरिचित वस्तु का मिलना भी घर पर नेगेटिविटी होने या किसी बुरे साए के होने का संकेत है। परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार होना, किसी बीमारी का लंबा चलना या अच्छे इलाज के बाद भी ठीक न होना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। घर में लगे पौधे पानी देने, खाद डालने के बाद भी अगर सूख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की वाइब्रेशंस खराब हो रही है। घर में पालतू जानवरों का बेचैन रहना, बीमार पड़ जाना, अगर घर में पालतू कुत्ता है तो डर के मारे बार बार वो गेट से भाग करके घर के अंदर आए, खिड़की से देख करके घर के अंदर भाग के आए, तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ बहुत भयंकर नेगेटिविटी इस समय आपके घर पे चल रही है। ये अशुभ संकेत है। तो रात में सुकून भरी नींद न आना और बेचैनी बढ़ना, नेगेटिव एनर्जी होना, ये सब अशुभ संकेत है। ऐसा अगर महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। सुबह और शाम के समय घर के अंदर कपूर में 2-3 लौंग डालकर नियमित रूप से जलाएं। घर में अगरबत्ती जलाना बंद कर दें, क्योंकि उसमें बांस होता है, इसकी जगह धूप बत्ती जलाएं। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। हर रोज घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। घर के कोनों में 1-1 चुटकी नमक रख दें। हनुमान जी और माँ दुर्गा की आराधना करें। अपने इष्ट देव पितरों और गुरु का नियमित ध्यान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।